दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके के गेमिंग लोगो को ऐसे बना सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से। सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस तरीके के गेमिंग लोगो पबजी का या फिर फ्री फायर का किसी का भी इस तरीके का गेमिंग लोगो कैसे बना सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो वीडियो को एंड तक पहुँच करना, अगर आप वीडियो को एंड तक पहुँच नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस इस तरीके का गेमिंग लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन मदद खोलना पड़ेगा और इसी के अंदर मैं अपना पूरा गेमिंग लोगो बनाऊंगा, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन में यहाँ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पैक आपको डिस्क्रिप्शन में एक पैक की लिंक मिलेगी वो डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर सबसे पहले आपको ये मिलेगा ये वाला बैकग्राउंड, तो इस बैकग्राउंड को सबसे पहले ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स वाले आइकन पर जाने के बाद रिलेटिव साइज को फुल 100% कर दिए, इसको लॉक लगा देना है लेयर वाले आइकन पर जाकर। फिर तो उसके बाद फ्रॉम गैलरी से आपको ऐड करना है अपना ये मतलब कि एलिमेंट यूज़ करना है जो कि ब्रश भी बोलते हैं इसे। तो ट्राइंगल कलर का ट्राइंगल का आपको ब्रश या फिर एलिमेंट यूज़ करना है। एलिमेंट यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पर बीचों बीच में आप इस तरीके से सेट कर देना है और बाकी आप बीच में कोई सा भी पबजी का या फिर फ्री फायर का दोनों में से किसी का भी मैस्कॉट यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये वाला मैस्कॉट दे दूंगा, तो ये पबजी का मैस्कॉट है तो यहाँ पर आप पबजी का मैस्कॉट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ्री फायर का लोगो बनाना है तो फ्री फायर का भी आप कोई भी मैस्कॉट यूज़ कर सकते हो, लेकिन कलर यहाँ पर पर्पल होना चाहिए, लेकिन दूसरा कलर होगा तब भी चलेगा। इसको स्ट्रोक दे देना है और स्ट्रोक का कलर यहाँ से आपको पिक कर लेना है, जो मैस्कॉट हमने यूज़ किया है उसमें से आपको कलर पिक कर लेना है, स्ट्रोक दे देना है आपको इस तरीके से। अगर आपको कलर चेंज करना है पिक्सल लैब में आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना आता पिक्सल लैब में फोटोज़ का तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे लेकर आऊँगा कि पिक्सल लैब में कलर्स कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने मैस्कॉट को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद शेडो यहाँ पहले स्ट्रोक ऐड करना है मतलब वॉयलेट कलर का, उसके बाद यहाँ पर शेडोज़ को ऐड कर लेना है और यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया, हमारा दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं और इसमें भी आपको शेडोज़ ऐड कर देने हैं। ये जो पीछे येलो कलर मतलब ये जो पीछे ब्रश था दोनों में हमने शेडो ऐड कर दिया है, इस मैंने मैस्कॉट में भी यूज़ कर लिया शेडो और ये जो पीछे वाइट कलर का स्ट्रोक है इसमें भी हमने शेडो को ऐड कर लिया है। तो दोनों चीज़ एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है उसमें, अब हमें यहाँ इसमें ऐड करना है टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे कैफनेटिक, मेरे गेमिंग सेकेंड गेमिंग चैनल का नेम है, तो यहाँ पर कैफ को मतलब जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा उसे हटा देना है अपने चैनल का। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है रेजेंस बक, तो पैक में आपको रेजेंस आपको मतलब वो OTT और TFF और टेक्स्ट की फ़ॉन्ट की फाइल भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो फ़ॉन्ट। मैं दो फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगा, दोनों फ़ॉन्ट्स की आपको फाइल भी पैक के अंदर मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी गई है, तो आराम से वहाँ से डाउनलोड करना है, अलग से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग और लास्ट में हमारा टेक्स्ट कट रहा है, इस वजह से हम इसकी पैडिंग बढ़ा देंगे स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, तो यहाँ पर हमने पैडिंग बढ़ा दी है दोनों जगह की। उसके बाद इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से डन करना है और यहाँ पर यहाँ से इसे आपको अलाइन करना है सही से बीचों बीच में, तो आप यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पर जाने के बाद इसको आपको चेंज करना है अपने टेक्स्ट को, क्योंकि टेक्स्ट हमें यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग का क्लियर पार्ट हमने छोड़ दिया था उसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लग लेना है। और यहाँ पर हमें दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, फ़ॉन्ट का नाम है यहाँ पर रूडरीज, ये फ़ॉन्ट मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस फ़ॉन्ट्स को, अगर मैं कोई गेमिंग वेमिंग लोगो बनाता हूँ तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपी लगता है देखने में। इसकी भी पैडिंग यहाँ पे बढ़ा देनी है ताकि ये जो स्टार्टिंग का और लास्ट का पार्ट जो हमारा करेक्ट टेक्स्ट हो कटे ना बिल्कुल भी बेकार ना लगे। और उसके बाद इसका कलर चेंज कर देना है वॉयलेट कलर का, जो भी यहाँ पर मेन हमारा वॉयलेट कलर का बना रहे हैं, और पीछे जो ये जो मतलब वाइट कलर की स्ट्रोक है चाहे तो आप इसको वॉयलेट कलर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि टेक्स्ट और ये जो इसके साथ मैच वाइट कलर का जो टेक्स्ट है इसके मैच करने के लिए यहाँ पर इसलिए यूज़ करूँ। और अपने टेक्स्ट में यहाँ पर शेडो ऐड कर देनी है, आउटर ग्लो ऐड करके बाद ब्लर रेडियस को 15 कर देना है, और यहाँ पर दोनों टेक्स्ट में यहाँ पर हमने अब दूसरे वाले टेक्स्ट में भी यहाँ पर हमें शेडोज़ को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर मैं शेडोज़ को ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेते हैं शेडो को, यहाँ पर ऐड कर लिया ब्लर मतलब आउटर ग्लो को इनेबल करके ब्लर रेडियस को 15 कर देना है। उसके बाद ये दोनों टेक्स्ट को ये जो की और क्या एफनेटिक को इन दोनों को साथ में मर्ज डाउन कर देना है, इससे क्या होगा ये टेक्स्ट पूरा एक में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हम अच्छे से अलाइन कर देंगे अच्छी जगह पर जहाँ पर हमें सेट करना है, तो उस तरीके से यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपका इतना काम हो जाएगा, तो इसे करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा लोगो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसे अच्छे से अलाइन कर देंगे अपने लोगों के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर जो मैस्कॉट है पीछे का स्ट्रोक है और जो टैक्स है इन तीनों चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देना है, मर्ज डाउन करना है। पहले सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं नीचे का पार्ट, क्योंकि ये बाहर दिख रहा है टैक्स के बाहर तो अच्छा नहीं लग रहा,
तो यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब यहाँ तीनों को मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड पे थोड़ा सा काम करना होगा, तो जल्दी से यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर पहले टेक्स्ट को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और तीनों चीज़ों के यहाँ पर जो मास्क कोट है, पीछे का स्ट्रोक है और टेक्स्ट को, इन तीनों को मर्ज करना है डाउन। तो मर्ज डाउन यहाँ पर कर लेंगे तो ये यहाँ पर मर्ज हो जाएगी, तो पूरा एक लेयर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसे बीचों बीच में सेट कर देना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इसको बीचों बीच में यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए रिलेटिव पोजीशन में जाके बीचों बीच में यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको लोकेशन इस मतलब थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि यहाँ पर जो हम सेट कर पाएँ अच्छे से। उसके बाद इसे लॉक लगा के इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है और यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसे यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसके नीचे ड्रैग करके ले जाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा लेफ्ट में पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पर आपको कर देना है कम। ये जो पीछे हमने फोटो है यहाँ पर लोगो ऐड करी, इसकी ओपेसिटी आपको 50% के अराउंड यहाँ पर आप रख लेनी है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है मतलब इस पर अपने इमेज गैलरी में ऐड इमेज पे जाकर यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन में जाने के बाद अपनी इमेज गैलरी में जाना है और वहाँ पर आपको आपको एक लाइट मिलेगी। मैंने पैक में आपको एक लाइट पीएनजी दे रखी है, वो लाइट पीएनजी यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पर आपको रिलेटिव पोजिशन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट बॉटम में सेट कर देना है। आप हाथ से भी कर सकते हो लेकिन रिलेटिव पोजिशन पर जाकर यहाँ पर राइट और बॉटम पर आपको सेट कर देना है और उसके बाद इस लेयर को नीचे ले जाना। तो इस तरीके से हमारा फाइनली लोगो तैयार हो चुका है, तो इसे आपको सेव कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को सेट टू ऑल कर देना। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और इसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।